Yes. Area of a square plot is 101 whole 1 upon 400 meter square. Find the length of one. Easier. Area of square plot is equal to 101 1 upon 400 meter square. Find the length of one side of plot. Length of side of plot. एक स्क्वायर प्लॉट है, एक प्लॉट है जो स्क्वायर की शेप में है, उसका एरिया दे रखा है और उसकी एक साइड कितने मीटर की है वो निकालना है। कैसा होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। एरिया ऑफ प्लॉट निकालने के लिए 101 × 400 करेंगे, 40400, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 40401 अपॉन 400 मीटर स्क्वायर, ये निकला प्लॉट का एरिया। ठीक है, अब प्लॉट जो है वो स्क्वायर की शेप में है, तो प्लॉट का एरिया जब निकालना होगा तो क्या आएगा? एरिया ऑफ प्लॉट क्या आएगा? साइड स्क्वायर आएगा। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 40401 अपॉन 400, इतना ठीक है। अब यहां ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो साइड ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40401 अपॉन 400। अब फ्रैक्शन में है, कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर का अंडर रूट, न्यूमेरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लो और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लो। 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बताओ। 8000 स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट पूछ रहा हूं। 8000 वर्सेस स्क्वायर भी नहीं होगा। स्क्वायर रूट मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 16 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए? मैं सोचने वाली क्या बात है यार, 20 का तो होता है, 20 का करें कुछ नहीं, स्क्वायर रूट बना है, फ्रैक्शन में ऊपर भी बना है नीचे भी बना है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का भी निकालना है नीचे वाले का भी निकालना है। नीचे वाले का तो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, इतना पता है, ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले का निकालो तो 40401, पीछे से दो दो के लिए 2 2 4 0 4, अगला पेयर होता है 2 का डबल 4, 4 की टेबल में 0 0 बार 0 बार 0, रिमाइंडर बचा 4 0 1, 20 का डबल उतारेंगे तो 40, 40 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है? 1 बार, 1 नीचे 1 होगा, 401 क्रॉस डिस्टेंस ये आ गया 201, साइड ऑफ प्लॉट निकल गए 201 अपॉन 20। लेकिन आंसर यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अगर तुम्हें क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। ठीक, तो 201 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अगला नंबर 1 सिर्फ 1 बचा है, ये 1 रिमाइंडर नहीं है, ये ऊपर से नीचे उतरा है, वही वाला 1 है, तो ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा, ये आंसर। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर तो वही रहता है जो होता है, क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ चले जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है। आ गया एरिया ऑफ प्लॉट, ना सॉरी साइड ऑफ प्लॉट, साइड ऑफ प्लॉट निकालना था वो। ठीक है, कोई दिक्कत पक्का करो तुम।
क्वेश्चन में क्या है, जनरल विस्ट टू ड्रॉ ऑफ दिस 7500 सोल्जर्स सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स। एक आर्मी का जनरल था, उसने कहा कि मैं अपने सारे सोल्जर्स को अरेंज करना चाहता हूँ इस तरह से कि एक स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बन जाए मतलब ऐसे 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 सब तरफ से बराबर सोल्जर्स। तो उसने कहा, देखा कि जब वो अरेंज कर रहा है सोल्जर्स को तो कुछ सोल्जर्स बाहर रह जा रहे हैं, कुछ सोल्जर्स उसमें फिट नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने सोल्जर्स बाहर हुए जब उसने स्क्वायर से अरेंज किया, क्या करेंगे? कितने सोल्जर बाहर हुए ये पूछा है। इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और स्क्वायर रूट भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा। 7500 ये हो गया, इससे जाएगा 8864। 11 अगला पेयर बताया 00, 8 का डबल 16, 16 के टेबल में 110 कौन सा आता है, 6 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